तो नमस्कार दोस्तों, वीआर टेक्निकल टीम चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, काफ़ी लोगों का एक सवाल रहता है पीएफ केवाईसी को लेकर। वो लोग सोचते हैं हमने 2 दिन पहले, 4 दिन पहले या 10 दिन पहले अपनी केवाईसी कराई थी, वो अभी तक अपडेट हुई है या नहीं हुई है, ये सब वो देख नहीं पाते हैं। तो दोस्तों, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आज की इस वीडियो में हम आपको सब कुछ बताएंगे कि आप केवाईसी कैसे चेक कर सकते हैं, उसमें क्या मिस्टेक हुआ है, रिजेक्ट हुई है या अप्रूव हुई है। आज की वीडियो में फुल डिटेल जानेंगे, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और यह प्रोसेस आप घर बैठे कर सकते हैं, वो भी अपने मोबाइल से, स्टेप बाई स्टेप देखते हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पर। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हम आ गए हैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर। तो यहाँ पर आपको कोई भी एक ब्राउज़र ओपन कर लेना है। चलिए मैं क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ। तो हम आ गए हैं क्रोम ब्राउज़र में। तो यहाँ पर आपको टाइप करना है EPFO। EPFO टाइप करने के बाद इसको सर्च कर देना है। तो सर्च करने के बाद आपके सामने EPFO की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। तो आपको सिंपली थोड़ा नीचे आना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा MP लोएस्ट। तो इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। आप इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद एक कॉलम मिलेगा आपको, ये सर्विस वाला, तो इस पर आ जाना है। और यहाँ पर आपको ये दूसरे नंबर पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा मेंबर UNA ऑनलाइन सर्विस। इस पर सिंपली क्लिक कर देना है। मेंबर UNA ऑनलाइन सर्विस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने न्यू पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको UNA नंबर डालना पड़ेगा और नीचे यहाँ पर पासवर्ड और नीचे एक कैप्चा भर के साइन इन पर क्लिक कर देना है। तो आप जैसे ही साइन इन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये अलर्ट टाइप का आ जाएगा, ई डोमिनेशन के लिए बताएगा ये। तो आपको यहाँ पर नीचे आना है। तो यहाँ पर नीचे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, फाइल नाउ और लेटर। तो आपको सिंपली लेटर पर क्लिक कर देना है। लेटर पर क्लिक करने के बाद आपके सामने न्यू पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, नीचे आना है। तो नीचे आप यहाँ पर देख सकते हो अपनी डिटेल कि आपके यहाँ पर पैन कार्ड और UNA नंबर और बैंक डिटेल क्या क्या यहाँ पर आपकी अपडेटेड है। तो ये तो आपकी अपडेटेड वाली है। तो आपने जो करी थी या करवाई थी तो उसका स्टेटस कैसे चेक करें, मतलब वो अभी अप्रूव हुई है या नहीं हुई है और क्या रिजेक्ट हुई है, तो वो सब आपको वहाँ पर शो होगा। तो चलिए चलते हैं आगे, वीडियो में बताते हैं आपको। तो दोस्तों, आपको PFKYC अपडेट करने के लिए या देखने के लिए सिंपली ऊपर आना है। यहाँ पर 5 ऑप्शन मिलेंगे आपको, होम, व्यू, मैनेज अकाउंट, ऑनलाइन सर्विस। तो आपको सिंपली मैनेज पर क्लिक करना है। तो आप मैनेज पर जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर 5 ऑप्शन शो होंगे, बेसिक डिटेल, कॉन्टैक्ट डिटेल, KYC, इनोमिनेशन, मार्क, एग्जिट। तो आपको सिंपली KYC पर क्लिक कर देना है। तो आप जैसे ही KYC पर क्लिक करोगे तो आपके सामने क्लिक ऑन KYC डॉक्यूमेंट टू ऐड, मतलब ये पूछेगा आपको काय की KYC करना है, मतलब पैन कार्ड, आधार कार्ड, आधार कार्ड तो नहीं है, पासपोर्ट का ऑप्शन आता है यहाँ पर, तो आप कर सकते हो। तो उसको सिंपली वो छोड़ देना है अपन को। आपको सीधे नीचे आना है हमें देखना है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो सीधे लिखा है यहाँ पर करेंटली एक्टिव KYC, जो आपकी प्रेजेंट में एक्टिव है KYC। जैसे कि आप यहाँ पर देखते हो पैन कार्ड का ये नंबर दिया गया, डॉक्यूमेंट नंबर, और यहाँ पर स्टेटस में देख सकते हो। तो यहाँ पर लिखा होगा अप्रूव और आपको नीचे आना है। नीचे यहाँ पर ये बैंक की, तो यहाँ पर बैंक का आपका अकाउंट नंबर लिखा होगा, IFSC कोड लिखा होगा, और ये भी देख सकते हो आप अप्रूव है, तो ये मेरी तो अप्रूव है। और आपकी अगर रिजेक्ट वगैरह होगी तो वो आपको नीचे शो होगी, और अगर पेंडिंग में डली होगी तो वो भी आपकी शो होगी। तो हम नीचे चलते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर, हमारी भी एक बार रिजेक्ट हुई थी, तो आप यहाँ पर नीचे देख सकते हो रिजेक्ट KYC का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये लिखा है आपका बैंक की KYC हुई थी, और यहाँ पर आपको स्टेटस पर दिखाई देगा रिजेक्ट, और उस बगल में आपको रीजन भी लिखा मिलेगा रिमार्क में। तो आप सिंपली देख सकते हो रीजन लिखा है रिजेक्ट ड्यू टू नेम मिसमैच, मतलब आपका नाम गलत होने की वजह से आपकी ये KYC रिजेक्ट कर दी गई थी। तो दोस्तों, इस तरह से आप यहाँ पर आके आप अपनी KYC देख सकते हैं, और अगर आपकी पेंडिंग में पड़ी होगी तो वो पे आपकी यहाँ पर शो होगी। तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं अपनी KYC का स्टेटस। तो दोस्तों, आशा करते हो वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और नए हो चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।